मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह ऋण माफी और बेरोजगारी भत्ते के लिए धरने पर बैठते तो बात और होती, लेकिन बेंगलुरु में विधायकों से मिलने और अपनी सरकार बचाने के लिए वह धरने पर बैठ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बाद 15 साल के लिए प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई थी, लेकिन इस बार 25 साल के लिए बीजेपी की सत्ता आएगी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उपवास पे अगर किसानों के कर्जे माफ के लिए बैठते तो शायद प्रदेश को अच्छा लगता। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने के लिए बैठते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन संविधान की हत्या करने वाले संविधान की बात करें, ये मन को अच्छा नहीं लगता है। सर्वोच्च संस्था ने लिख के दिया बहुमत साबित करने का, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है इनके लिए। दिग्विजय सिंह का स्वभाव है विषय को विषयांतर करने का। दिग्विजय सिंह गए तो 15 साल नहीं लौटी कांग्रेस, और अब जो जा कमलनाथ व्यवस्था करके जा रहे हैं, 25 साल की छुट्टी है इनकी। ये सारा किए धरे के पीछे कोई कारण है तो पुत्र मोह है।